अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस दफ़ा हम लोगों का ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, बनाया तो हम लोगों ने 14 अगस्त पे था लेकिन कुछ मुल्की हालात और प्रॉब्लम्स की वजह से ज़रा लेट पोस्ट किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शो योर लव, थैंक यू सो मच। आज़ादी का दिन था और सुबह बड़ी रोशन सुबह थी, याद है आपको सब? मुझे याद है वो आमला का सबक, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना। चीज़ है इसके नीचे चीज़ लगे सारे बड़े चले गए, वो मुंबई से निकलने भागे, बस हम यहाँ से रोड से ना कवर करके निकलते हैं। फुट कसना पड़ा, देखो जरा ये यहाँ पे लग गया है ना, टाइट करने वाला पड़ा है प्लास के नहीं? हाँ ये तो नहीं लगेगा। थोड़ा जरा मैं जोर लगाता हूँ, नहीं ये गिर जाना। ये इनके कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं इनके। बाजा बजा रही है ये क्या कर रहा है झंडा, इसको इधर मत करिए, गलत साइड लगवा लिया ना आपने। जगह जगह पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। चले हम दोनों वीडियो बनाएंगे फिर, अब सही बोल रहा है। पहले आपको जाना पड़ेगा, मैं भी बात करूँगा, लेट हो।
देख के रखना किस तरह अम्मी ने मुझे कहा आपके साथ आने के लिए। अम्मी मुझे कह रहे थे कि अभी दो तीन महीने रहना तो साढ़े ना आज़ादी का दिन था, बड़ी रोशन सुबह थी, सारे बच्चे उठे बड़े शौक से, फिर उनके अबू ने उनको आज़ादी की कहानियाँ सुनाई। और फिर वो पता क्या करते हैं उस दिन, उनके ना उनके परिंदे होते हैं तोते, वो अपने तोते आज़ाद करते हैं उस दिन बच्चे। फिर वो लड़की अपने मियाँ मिठू, हाँ जी, वो मियाँ मिठू को देखती है तो वो उदास बैठा होता है, तो वो कहती है कि इसको क्या हुआ, तो उसके बाबा कहते हैं कि इसको भी आज़ादी चाहिए, तो बच्चे फिर अपने तोते आज़ाद कर देते हैं। मुझे ना वो सबक याद आ रहा है अभी, आ रहा है ना, बड़ा अच्छा, बड़ा मजे का सबक होता था आज़ादी का, वो हमारी आज़ादी का भी साथ ही बच्चों को सबक सिखाया उन्होंने। प्लेट में काट के मसाले डाल के दे रहे हैं। सारा कुछ ऐसा हो गया, सुबह सुबह हमारी फाइनल डेस्टिनेशन बर्गर छोटे छोटे क्या हो गई थी, क्या हो गई थी फिर तो
बर्गर लेने मरी वालों से, मरी वाला बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना। ये वाले बर्गर्स और कोल्ड ड्रिंक हम लोग खा चुके हैं, अभी हम हुआ कर लें। अच्छा वो तो खोलें, वो इसमें कोल्ड ड्रिंक है, वो तो खा लें। ये रही रेडी, खोल तो लें पहले। तो इसकी पैकिंग बड़ी उन्होंने टेक्निकल की है, क्योंकि चीज़ इनका न्यू प्रोडक्ट है ना, और ज़्यादा भी है। इधर से नहीं नज़र आ रहा, सही इधर से नज़र आएगा। ऊपर भी चीज़ है, ये पैटी भी चीज की है, इसके नीचे अच्छा, भी चीज की पैटी है, चीज की पैटी है ना, इसके चीज स्टफ पैटी नहीं होती है, ये वो चीज है, बड़ा चीज अच्छी है। अच्छा इसको ना एक काम करें, रुके, इसको ना यहाँ से खोलें। मैं बोलता हूं ये खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा तोड़ लेना। इसकी एक किस्म की चेयर है, इस चेयर पे चेयर पे बिठाया हुआ था बर्गर उन्होंने। आप अपना फोन दे ना, मैं क्यों पिक्चर लूं इसकी, पिक्चर अपने मोबाइल में अच्छी आएगी। यहाँ पे एक और ही आ गया है कि बर्गर्स को भी चेयर दी जाती है, बर्गर थक जाते हैं, ठीक है, कि उन्हें अपना आपको टेस्ट करके बताता हूँ। पहले वीडियो पिक्चर खा लें, ब्लॉग भी बना लूंगी, मैकडोनल्ड्स का तो बर्गर बहुत फारिग होता है, मुझे मैकडोनल्ड्स नहीं पसंद, बर्गर किंग के बर्गर छोटे हैं, इनके सारे बर्गर है, चीज लग गया है मुंह पे। ये इनकी सीक्रेट सीन है, ये जो पैटी है ना, ये चीज पैटी है, चीज पैटी देखो, हाथ से हटाएं अपना, ये मोज़रेला चीज है, ऐसे करें इसको प्रेस करें, निकल रहा है, ये मोज़रेला चीज है, निकल रहा है ना। दूसरा हम ये बताना चाहेंगे, दूसरा जो है वो बर्गर चीज है, ये मोज़रेला। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ, दो तीन और एक और भी रखे, चले वो दो आपके, ये मेरे हैं, मैं बाद में खाऊं। चलो आप ये खाओ, ठीक है, खा लूँ, आप ये खा लो। नहीं मैं बर्गर भी खाऊंगी, नहीं खाऊंगा यार, पहले आधा आप खा लेना फिर मैं खाऊंगी। हाफ पहले खाएं अपना, कितना हैवी बर्गर है, खुश हो रहे हैं, इतना हैवी बर्गर देख के खुश हो रहे हैं, नाम मेरा लगाते हैं, बर्गर देख के खुद खुश हो रहे हैं। कैसा है, मजा आ गया है? तो हमें ये दो ले लेते यार, वो इतना हिसाब बनना था, और ये कितना हैवी है, अच्छा आइडिया था ना, बिल्कुल कसम से, कसम से बस। तो फिर ये तो जल्दी ट्राई करना चाहिए था हमें, हाई टेस्टिंग, हाई टेस्टिंग, ये जो है ना, ये चीज इसका टेस्ट ही लगा, इस चीज का टेस्ट ही लगा। हैवी है, थोड़ी सी कोक मेरे लिए बचानी है, उन्हें इसको प्रेस कर दिया, पचका दिया उसे, चीज खत्म हो गया।
अच्छा है, बहुत बड़ी पैटी है, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है उसे भी। इसी एक ही व्लॉग में लगा दूंगी, लाजमी है, लाजमी ट्राई करें। 620 का ये बर्गर है, लेकिन जाहिर सी बात है यार, 620 इस तरह के बर्गर के कुछ नहीं है, हार्डीज वगैरह के सबके, इनके कितने महंगे बर्गर हैं, इतना छोटा सा बर्गर आता है 1800 रुपए में। आपने, हमने खाया नहीं था, हमने खाया तो था, वो कितना 1800 का था। अच्छा, और KFC का तो वैसे ही इतना छोटा सा बर्गर इतना महंगा होता है, छोटा सा बच्चा आ रहा है। मतलब आपको बहुत अच्छा लगा, अब मुझे भी खाना है, अब मुझे भी खाना है। मतलब फाइनल बात ये बताना चाह रहा था नाज़रीन को, अब बताएं कि पहले मैं ये कहता था कि हार्डीज इज़ द बेस्ट बर्गर मेकर इन पाकिस्तान। हार्डीज, हाँ, आपने हार्डीज खाया भी बहुत है। हाँ, लेकिन इस बर्गर के बाद, इस बर्गर के बाद हार्डीज नीचे चला गया, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्स्चर, एवरीथिंग को अगर हम कंपेयर करें तो KFC नंबर वन है इस बर्गर के लिए। इस बर्गर के बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके बाद KFC सबसे ऊपर है। ये मेरा अपना एक रिव्यू है, फूडी टाइप रिव्यू है। लोग, कुछ लोगों को बीफ बर्गर पसंद होते हैं, तो बीफ बर्गर यहाँ पे तो सारे सोए हुए हैं।